प्रणायाम, प्राणायाम में वस्तु का प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लें और गर्दन को दाहिने से बाएं झुकाएं। सांस को पेट के द्वारा पेट की स्ट्रोक में, यह आपकी कब एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। कपाल भाटी, रिलैक्स के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए आसन आपकी कमर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद आसन है। रिलैक्स, रिलैक्स, धीरे धीरे पैरों को चलाएं, इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं। खाने के बाद लगभग 5-10 मिनट वज्रासन बैठना चाहिए, शरीर में रोकें। उसके बाद उंगली से अपने दूसरी नाक के छिद्र को बंद करते हुए दूसरी तरफ से छोड़ दें। ये प्राणायाम लगातार कम से कम 2 मिनट करें। रिलैक्स, अनुलोम विलोम के बाद तीसरा नंबर प्राणायाम कपाल भाटी, मंडूकासन के बाद शशकासन, ये भी आपकी कमर के लिए बहुत फायदेमंद आसन है। शशकासन वैसे तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं योगा दिवस के उपलक्ष में कहना चाहूँगा कि COVID-19 के चलते हुए आज अगर मैक्सिमम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। जितना जिसको मौका मिलता है हर आदमी को इसमें शामिल होना चाहिए। तो सर, जैसे लोग जो आजकल के नौजवानों में नशे की तरफ जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नशे से भी अगर हम योग में ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अपने जीवन लगातार इसमें शामिल करते हैं,
नशे का भी इसमें थोड़ा सा बचाव हो सकता है, अपना ध्यान योगा में लगाएं तो स्वतः ही नशा अपने आप ही छूट जाएगा। तो सर यहाँ पे जो योगा आप डेली करते हैं या आज ही कर रहे हैं? हम रेगुलर ही करते हैं, जब जब हमको मौका मिलता है रेगुलर हम अपने लड़कों को और हम सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। सर आज थोड़ा सा इंटरनेशनल डे होगा था तो थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज तरीके से कराए, अदरवाइज रेगुलर ही हमारे यहाँ चलता है। सर क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जो है ये बहुत ज़रूरी है, इतना तनाव भरी ज़िंदगी हमारी है आज की डेट में, तो योगा का अपने जीवन में बहुत ही महत्व है, इसको जरूर शामिल किया जाए हर एक। सर बहुत बहुत